बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आतंकिस्तान के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। हमारे जांबाज सिंघम स्टाइल में आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। कुपवाड़ा से लेकर पूंछ और राजौरी से लेकर रियासी तक सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस उन पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश कर रही है जो पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हुए हैं। सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को मार गिराया था, जबकि 2 से 3 आतंकी घने जंगलों में जा छिपे थे। उनकी तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन इस बीच ढेर किए गए आतंकी के पास से जो हथियार मिला, इससे साफ हो गया है कि आतंकियों के मददगार चीन और पाकिस्तान हैं। ड्रैगन का दाना पानी खाकर पाकिस्तानी आतंकी अपनी हदें पार कर रहा है। हिंदुस्तान का संयम टूट चुका है और इसीलिए आतंकियों के सफाए के लिए हमारा सिंघम प्लान रेडी है। हमारे प्रहार से आतंकी बिलबिलाकर मर रहे हैं, क्योंकि आतंकियों का पक्का इलाज अब हो रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। आतंकियों की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? हिंदुस्तान के क्रोध से आतंकी अब होंगे भस्म, क्योंकि आतंकिस्तान के खिलाफ सिंघम प्लान तैयार। ड्रैगन का दाना खाकर पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों का वक्त खराब हो चुका है। हिंदुस्तान की जमीन पर आतंकी गेम खेलने वालों को बचने का मौका खत्म हो चुका है। कश्मीर से लेकर जम्मू तक हमारे जांबाज फुल एक्शन में हैं। आतंकियों के हर बिल में घुसकर धावा बोला जा रहा है। अब किसी भी आतंकी चूहे का बचना नामुमकिन है, क्योंकि आतंक के सर्वविनाश के लिए हिंदुस्तान का सिंघम प्लान तैयार है। सिंघम प्लान का मतलब है पूर्ण सफाया। आतंकी की हर पंक्ति पर कड़ा प्रहार होगा। जम्मू में बीएसएफ के 2 और बटालियन तैनात किए गए हैं। आतंकियों के अड्डों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आतंकिस्तान की हर हरकत से हम वाकिफ हैं और सिंघम प्लान से अब भागने का भी मौका खत्म हो चुका है। एंटी टेरर प्लान से आतंक का विनाश अब तय है। हिंदुस्तान का संयम क्योंकि टूट चुका है। हमारे जांबाज आतंकियों को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीओके में आतंकी कैंप्स में आतंकियों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो लगातार बीते कई महीनों से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के राजौरी पुंछ की बात करें या कश्मीर के केरन उड़ी की बात करें, लगातार कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिशों को सुरक्षा बलों के जवान विफल बना रहे हैं और कई सारे आतंकियों को अभी तक मार गिराया गया है। आज भी मत्सिल सेक्टर में बैट एक्शन टीम यानी बॉर्डर एक्शन टीम, जो कि एसएसजी कमांडोज होते हैं पाकिस्तान आर्मी में, उनकी तरफ से एक हमला किया गया सेना की चौकी पर और इस हमले में सेना के कई जवान गंभीर तौर पर घायल हुए, जिनमें से एक जवान की मौत वाका हो गई। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के कमकारी सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट के हमले को नाकाम कर दिया। दरअसल सेना का कड़ा प्रहार हो रहा है, क्योंकि कुपवाड़ा में आतंकी हमले किए गए। आतंकियों के साथ पाकिस्तान की बैट टीम भी शामिल रही है। कुपवाड़ा के कमकारी इलाके में हमले को अंजाम देने की नाकाम कोशिश की गई। सेना की सर्च टीम पर अटैक किया गया, लेकिन एक आतंकी के मारे जाने की खबर है और बाकी आतंकी वहां से फरार हो गए। लेकिन हमारी सेना पर आतंकियों के इस हमले के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से सरेआम हो चुका है। दुनिया देख रही है कि कैसे आतंकियों का साथ पाकिस्तान की बैट टीम दे रही है। आतंकवाद और पाक आर्मी के नेक्सस का भंडाफोड़ हो चुका है। जानते हैं पाकिस्तान की बैट टीम की हरकत के बारे में। बैट मतलब पाकिस्तान बॉर्डर एक्शन टीम। एसएससी के खतरनाक कमांडो इसमें शामिल रहते हैं। युद्ध के नियमों को नहीं मानती बैट। बैट टीम एडवांस्ड हथियारों से लैस है। छापामार तरीके से अटैक करती है बैट टीम। बर्बरता के लिए चाकू खुखरी जैसे हथियार इस्तेमाल करती है। बॉर्डर से 1 से 3 किलोमीटर के अंदर हमले को अंजाम देती है और जवानों के शव के साथ बर्बरता भी करते हैं।
बैट टीम की बर्बरता के बारे में अब दुनिया जानती है, लेकिन अब आतंकियों के रहनुमाओं के लिए बहुत ही बुरी खबर है। सेना पूरी तरह से एक्शन मोड में है। एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, खासतौर पे पिछले दो दिनों में रियासी और पुंछ में आतंकी गतिविधियां यानी कि आतंकियों की हरकतें देखे जाने के बाद, मूवमेंट दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने लगातार ऑपरेशन चलाया हुआ है। अगर आप देखें तो पिछले एक सप्ताह में चार बार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों से पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ के प्रयास किए गए, जिसमें कुपवाड़ा के केरन, मचेल और कुपवाड़ा सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल से ये घुसपैठ के प्रयास हुए, जबकि एक प्रयास जो है वो पुंछ से भी आतंकियों ने किया। वहीं नौशहरा सेक्टर में भी दो बार ड्रोन के जरिए हथियार ड्रॉप करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हुई, जिसे नाकाम कर दिया गया। हमारी सुरक्षा कर्मी आतंक के हर बिल को निशाने पर ले रखी है। हमारे जांबाज अब सिंघम स्टाइल में आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं। आतंकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जर्रे जर्रे से अब आतंकियों को खींच कर सर्वनाश किया जाएगा। बिल में घुसे आतंकी अब बिल बिलाकर मरेंगे और हमारे सुरक्षा कर्मियों के निशाने पर एक एक आतंकी चूहे इस वक्त हैं। जम्मू के जंगल और पहाड़ों का सहारा अब आतंकियों को नहीं मिलेगा। हमारे सुरक्षा कर्मियों के पास है आतंकियों के हर बिल का ठिकाना। 40 से 50 पाकिस्तानी आतंकवादियों का एक ग्रुप जम्मू के पहाड़ी जिलों के ऊपरी इलाकों में छिपा हुआ है। उन्हें सफाया करने के लिए इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सेना का ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। यह आतंकवादी जो इस क्षेत्र में घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं, वो ट्रेंड हैं और कुछ आधुनिक हथियारों से लैस हैं। लेकिन अब इनके हर ठिकाने और आतंकियों की पहचान हमारे पास है। आतंक पर हमारा प्रहार बहुत ही घातक है और बहुत ही जल्द ऑल आउट ऑपरेशन में एक एक आतंकी भस्म हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुपवाड़ा से लेकर पूंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। आतंकियों के हर ठिकाने और उसके पहचान का कच्चा चिट्ठा अब हमारे पास है और अब आतंकिस्तान के चूहों के लिए भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंक की कब्र खोदने का प्लान तैयार हो गया है। घातक कमांडो, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। जवानों ने जंगलों को घेर लिया, जहां सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकी बिल में छिपे हैं। उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आज भी जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा के इस इलाके में हम इस समय मौजूद है। आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर फरार होते हैं और सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जाता है और बाद में इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कामयाब होते हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है और इस बीच कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से जो कुछ मिला उससे चीनी साजिश भी सामने आई है। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से चीनी हथियार मिले हैं। आतंकवादी के पास से चीनी टाइप 56-1 एसॉल्ट राइफल बरामद की गई, स्टील के बुलेट्स और पाकिस्तानी बैट का खंजर भी मिला है। आतंकी के पास से मिले इन चीनी हथियारों और सामान से साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार चीन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन की आर्मी इन आतंकियों को मदद करती है, कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। जब भी इन आतंकियों को ढेर किया जाता है तो इन आतंकियों से आधुनिक हथियार बरामद होते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। वही हथियार जो है चाइनीज मेड इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं। आतंक पर चीन और पाकिस्तान बेनकाब हो चुके हैं और अब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी है। एक एक आतंकी को ढेर करने की रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस बीच घाटी में आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र सरकार के जो दावे थे ये 370 हटने के बाद आतंकी घटना समाप्त हो जाएगी,
नोटबंदी के बाद आतंकी और नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी, ये जो दावा कर रहे थे वो गलत साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर एक और सियासत तो दूसरी ओर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल है कि आतंकिस्तान का तमगा पा चुके पाकिस्तान का इलाज क्या है? भारत कब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का दंश यूं ही झेलता रहेगा? हमारे वीर जवान कब तक ऐसे आतंकी हमलों में शहादत देते रहेंगे? क्या अब वक्त आ गया है कि जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उसी जबान में उसे जवाब दिया जाए?